देखो जी गाइस, इतने साफ सुथरे घर में कौन आया है? नजर आ रहा है आपको? मैं जरा फोकस कर लूं। मेरा कोई प्लान नहीं था किलिंग वीडियो बनाने का, बट ये बेबी कॉकरोच मेरे प्यारे से साफ सुथरे हॉल में आकर खुद ही फंस गया है। क्या हुआ तुझे? अरे देखो देखो, कहाँ तक जाओगे? किधर तक भागोगे मुझे बताओ जरा। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं तुम्हें। रुको, अभी रुको जरा, 1 मिनट। अभी अभी तो मेरे हाथ में कुछ खास नहीं है और तुम छुप जाओगे, और ये मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नेल पॉलिश से ही किल करने वाला हूँ, जो मैंने अभी 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 अप्लाई की है और बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन मुझे तुम्हें किल तो करना है। लेट मी चेक कि तुम मुझसे मरते हो कि नहीं, वरना फिर मुझे हाथ से ही मारना पड़ेगा तुम्हें फिर। इरिटेटिंग पर्सन। गाइस, मेरे फ़ोन की तो बैटरी लो हो गई है, उसको मैं अभी लेकर गई हूँ, चार्ज पे लगा कर आई हूँ। और इसको मैं यहाँ से देखो, जूम करके काम तमाम। यार मुझे कभी कभी खुद भी बहुत हैरानी होती है कि मैं क्यों इतनी जालिम हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे तुम जैसे डर्टी बेबी कॉकरोचेस भी नहीं देखे जाते। ओके, मुझे नहीं पसंद हो तुम लोग, कुछ भी कर लो बट आई डोंट लाइक। अच्छा अभी देखते हैं क्या बना है इसका। और आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करो कि मैं इस तरह की किलिंग वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो डेली व्लॉगिंग का है, और मेरा जैसे जैसे व्लॉग्स बनाने को दिल करता है मैं वैसे बनाऊँगी। सिर्फ मुझे ये आ रही हूँ मम्मा, चेक करते हैं इसको। बहुत अफसोस हुआ, बेचारे की डेथ हो गई। लेकिन इसको किसने कहा था कि यूं मेरे घर में आए और मुझे इरिटेट करे और फिर आगे से दिखने के बाद भाग रहा था? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साथ रहिएगा।